तब तक हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों की मानसिकता है आपस में एक, हम एक मीटिंग के अंदर भी अनुशासित नहीं रह सकते, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, तो हम एक बड़ा मूवमेंट कैसे चलाएंगे? दलित समाज का जो शोषण है वो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो ओबीसी तबके के थ्रू किया जाता है, और ओबीसी तबके के अंदर हमारे मुकाबले बहुत कम जन जागरण हैं। ओबीसी तबके को हमें अपने साथ खड़ा करना चाहिए, उनके बड़े लीडर से हमें मिलना चाहिए, जैसे यादव समुदाय है या दूसरे जो मजबूत समुदाय हैं, अगर वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारा नंबर बढ़ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें ज़रूरत है, मेरी तरफ से सजेशन है ये कि हमें ओबीसी के साथ डायलॉग करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उनका भी शोषण होता है। जो सनातन संस्कृति के अंदर जो ब्राह्मण, एक्सक्यूज में मैं चाहूँगा प्लीज़ दो मिनट शांति बनाए रखें। देखिए जो सनातन संस्कृति है उसमें जो चार खंड बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आज क्षत्रिय जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है और ब्राह्मण और जो वैश्य है उनका गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है। उस गठबंधन, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। आज ऐसा नहीं है कि हम ही त्रस्त हैं। जब मैं जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान भर के अंदर मैं घूमा हूँ अपने संगठन के उसके लिए, तो आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आंध्रा में, यहाँ पे जाएंगे तो हमसे भी बुरी स्थिति, जो अपने आप को ठाकुर और क्षत्रिय कहते हैं, हम उस समाज से हैं कि हमारे लोग खुद को खटीक कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को क्षत्रिय, धनगर, राजपूत और ये सब चीज़ें लगाने में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं जी। दूसरा देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा उठता हुआ सूरज है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय उनके नाम पे हम राजनीति करने के या संगठन चलाने के। वो एक इंटरनेशनल व्यक्तित्व है जिसे हमने सिर्फ एक यहाँ की हमारी छोटी छोटी आपसी मतभेदों ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ दलित नेता बना के घर रख दिया है, जबकि वो इंटरनेशनल लीडर हैं। वो आइडियोलॉजी है जस्टिस की, इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस मानता हूँ मैं उन्हें। वो नॉलेज ऑफ सिंबल तो है ही है लेकिन वो इक्वलिटी के भी सिंबल हैं। तो हमें डायलॉग करने होंगे आपस में, छोटा छोटा हमें समझना होगा कि हम कैसे समर्थ हो सकते हैं। देखिए ये काम, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये ऐसा है कि जैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हमें समझना होगा हम यहाँ बैठ के ब्राह्मणों की कितनी भी बुराई कर लें या हम उन्हें कितना भी वो कर लें, लेकिन हमें उनकी आइडियोलॉजी को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। मैं उन्हें प्रेरणा मानता हूँ अपनी, मैं अपने संगठन को ब्राह्मणों की तर्ज पर आगे ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि ब्राह्मणों ने पूरे हिंदुस्तान के, वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने सत्ता का मजा लिया है और हम लोग हमेशा पीछे रहे हैं, ये हमारी मेंटेलिटी रही है और आज भी हुई है। हम बात करते हैं कि हमारे सांसद हमें सहयोग नहीं करते, वो कैसे सहयोग करेंगे, जब उनका इलेक्शन होता है हम अपने घरों में लेट रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब उनका इलेक्शन हो, ये सजेशन है मेरा सबके लिए कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, अगर जब उनका इलेक्शन हो तो हमें हर तरीके से उन्हें सहयोग करना चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद हम उनका गिरवान पकड़ सकें कि हम आपके लिए निस्वार्थ खड़े हुए थे। अब उन्होंने, अगर हम इलेक्शन में तो गए लेकिन हमने शराब की बोतल और मीट पे अपना जो मेहनताना उनसे वसूल कर लिया, तो कैसे काम चलेगा? वो क्यों कल को वो हमारे साथ खड़े होंगे? दूसरा, हमें आज भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, हमें सिस्टम के अंदर IAS, IPS और PCS की ज़रूरत है, क्योंकि नेता आज है कल नहीं है, आज इस पार्टी के अंदर है कल उस पार्टी के अंदर है, इनकी विचारधाराएं, इनका जो सिस्टम है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारे समाज का अधिकारी वर्ग अगर ऊपर की पोस्टों पे जाएगा तो वो हमारे समाज के लिए चिंतन करेगा, और ये बेहद आवश्यक है। हमें जब तक ओबीसी वर्ग के साथ हम डायलॉग नहीं शुरू करें, वो भी उतना ही पीड़ित है लेकिन उसे एहसास नहीं है, वो अपने आप को ऊपर समझ रहा है कि हम बहुत ऊपर हैं। यादव समाज ये समझ गया यूपी के अंदर, इसलिए उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया, बिहार के अंदर समझ गया, सत्ता पे कब्जा कर लिया। लालू प्रसाद यादव जी का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर ये प्रथा थी कि अगर कोई भी ब्राह्मण आगे खड़ा हो गया तो सब लोग दंडवत प्रणाम के लिए लेट जाया करते थे उसके सामने।
यादवों की हिम्मत नहीं थी कि वो खाट के ऊपर बैठ जाए बिहार के अंदर, लेकिन यादवों को उन्होंने एकजुट किया, और ना सिर्फ एकजुट किया बल्कि बिहार के अंदर उन्होंने सत्ता पलट दी। आज उनकी स्थिति वहां पे चेंज हो गई है। तो हमारे लिए देखिए, जो हम बौद्ध धर्म करते हैं ना, इसमें और सनातन धर्म में कोई खास फर्क नहीं है। आप किसी भी बुद्धिस्ट कंट्री को उठा के देख लीजिए, आप उनसे बौद्ध धर्म के नाम पे फंड तो ले सकते हैं, उनका एजेंडा तो चला सकते हैं, लेकिन माफ कीजिए, हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। उस बदलाव को करने के लिए जो यहाँ का आदि, जो हम मूल निवासी हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के थ्रू ही हमें बदलाव करना पड़ेगा। आपको शाप्त होना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।